Welcome students, in today's video our today's topic is introduction to accountancy and accounting. अकाउंटेंसी आपके कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हमारा आज का टॉपिक इसी चीज पर है कि अकाउंटेंसी क्या है और इसी से रिलेटेड एक वर्ड हो रहा है अकाउंटिंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके सब्जेक्ट में, तो हम इन्हीं के बेसिक्स को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार इनका कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा तो फिर आगे की चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए हम एक ओवरव्यू से समझ लेते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि ये अकाउंटेंसी जो है ये क्या है और किस तरह से इसका बिजनेस में यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आपको आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए देयर आर टू फ्रेंड्स, आकाश एंड प्रकाश। आकाश इज ए सैलरीड पर्सन एंड एज ही इज ए सैलरीड पर्सन ही गेट्स मंथली सैलरी फ्रॉम हिज कंपनी। एंड अनदर फ्रेंड हु इज प्रकाश, प्रकाश इज ए बिजनेसमैन एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी सैलरी बट एज ही इज ए बिजनेसमैन ही अर्न्स प्रॉफिट्स and he earns profit from his stationary business। हमारे पास में दो व्यक्ति आ गए हैं, आकाश आ गया है, प्रकाश आ गया है। As we all know, money और earnings are very important factor in our life, because whatever we want to do we must have money। For earning this money we have many options, some persons do business, some persons do jobs, so there are some are self-employed, some are professionals, you know there are many activities through which we can earn this money। तो यहां पे मैंने बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर या तो आप नौकरी कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, मोटी मोटी बात यही है। आप तो when you do a job it is very easy because you are getting monthly salary, but when you do business you are not getting anything in terms of salary, because you are buying something and you are selling something, and the difference of this buying and selling price is your profit or loss। to prakash wahi kar raha hai, prakash stationery business kar raha hai aur stationery business se usko profit earn hota hai। abhi profit earn kaise hota hai, hum dekhiye isi ko samajhne ki koshish karte hain। इसके लिए क्या करता है स्टेशनरी बिजनेस में प्रकाश, प्रकाश कुछ चीजें परचेज करता है, स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम्स जो है उसको परचेज करता है वो, और फिर उसको क्या करता है वो सेल्स करता है। देखिए यही एक बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस करते हैं यही दो मेन एक्टिविटी है आपकी, दीज आर द टू मेन एक्टिविटीज, यू विल परचेज एंड देन यू विल सेल्स। परचेज करेंगे तो आपके पास से पैसा जाता है और फिर आप उस पर कुछ प्रॉफिट का मार्जिन एड करके आप उसको कस्टमर को सेल्स कर देते हैं। और इस परचेज और सेल्स एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस दैट ए बिजनेसमैन हैज टू इनकर्ड, लाइक वेजेज, सैलरीज, रेंट, माइट बी इंटरेस्ट, कैरेज, ठीक है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, टेलीफोन एक्सपेंसेज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, देर आर मेनी एक्सपेंसेज। व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस एक्सपेंसेज आर इनएविटेबल, यू आर टू डू सर्टेन एंड सम एक्सपेंसेज। तो आप परचेज भी कर रहे हैं और सेल्स भी कर रहे हैं और ये एक्टिविटी आपकी थ्रू आउट ईयर चलती रहती है। देखिए आप परचेज करते रहते हैं, सेल्स करते रहते हैं, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस आप करते रहते हैं, बिजनेस का यही मेन वर्क है। पैसा मतलब, कहने का मतलब बिजनेस में परचेज के थ्रू पैसा जा रहा है, सेल्स के थ्रू पैसा आ रहा है, एक्सपेंसेज के थ्रू आपके पास से पैसा जा रहा है, ये एक्टिविटी आप स्वयं परफॉर्म करते रहते हैं। तो अब ये जब एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी पूरे 12 महीने तक सेम चलती है आपकी। बिजनेस के अंदर हमने एक्टिविटी को 12 मंथ्स के सर्कल में बांध दिया है हमने,
जैसे आप एकेडमिक्स होती है आपकी, आपकी एकेडमिक्स वन वन ईयर की होती है, आप हर एक साल बाद नेक्स्ट जो क्लास है उसको प्रमोट कर होते हो आप, तो वैसे बिजनेस के अंदर भी आप अपने परफॉर्मेंस को जो आप जज करते हैं वो 12 महीने के पीरियड में करते हैं। 12 मंथ का जो सर्किल होता है, 12 मंथ का एक पीरियड होता है, उसके अंदर आप अपने परफॉर्मेंस को जज करते हैं कि आप यू आर ऑन ए राइट ट्रैक और देर आर सर्टेन मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। सो अभी 12 मंथ का जो सर्किल है, 12 मंथ के सर्किल में आप ये देखना चाह रहे हैं कि हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न, आपने कितना प्रॉफिट अर्न करा है आपने। अब देखिए प्रॉफिट अर्न करने का तो सीधा सा मतलब है आपके पास से पैसा जा रहा है और आपके पास से पैसा भी आ रहा है, पैसा जा रहा है, देखिए आपका परचेस से पैसा जा रहा है आपके पास से, सेल्स से आपके पास में पैसा आ रहा है और एक्सपेंसेस जो आप कर रहे हैं उसमें से भी आपका पैसा जा रहा है। तो आपको प्रॉफिट करना है कैलकुलेट, तो आपको इन तीनों एक्टिविटीयों को एक जगह लिखना होगा कि हमारा परचेज में कितना पैसा गया, एक्सपेंसेज में कितना पैसा गया और सेल्स के थ्रू हमारे पास में कितना पैसा आया है, तब जाकर के आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब आप चूंकि इन तीनों एक्टिविटीयों से प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं तो आपको इसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं यू विल हैव टू रिकॉर्ड दिस, यू विल हैव टू राइट दिस ऑन पेपर्स। So, आप जब रिकॉर्ड करेंगे आप, तो रिकॉर्ड करने के लिए देर आर सर्टेन रूल्स, वो रूल्स क्या है फॉर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, देर इज इट्स ऑन लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज एन लैंग्वेज दैट इज यूज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, kindly note this word business transactions, for recording business transaction you required a language and that language is called accountancy, so that's why we can say accountancy is the language of business। ये अकाउंटेंसी आपकी बिजनेस की लैंग्वेज है, जो बिजनेस के अंदर आप जो एक्टिविटीज करते हैं, ध्यान रखिए जो परचेज करते हैं, जो सेल्स करते हैं, जो एक्सपेंसेस करते हैं, इट सिंपली मींस देर आर सो मेनी एक्टिविटीज बाय विच द मनी विल गो आउट फ्रॉम द बिजनेस एंड देर आर सर्टेन एक्टिविटीज फ्रॉम विच द मनी विल कम इन टू द बिजनेस। सो यू वॉन्ट टू रिकॉर्ड ऑल दीज मनी इनफ्लोज एंड मनी आउटफ्लोज ट्रांजेक्शन, this language will help you to record these transactions smoothly into your business and this language is called accountancy। ab dekhiye jo 12 months ka circle hai, ye 12 months ka circle is called accounting period, like there is a word academic year, aapka jo 12 months ka period hota hai wo academic year hota hai, to वैसे business ke andar aap ye jo profit calculate kar rahe hain तो ये 12 मंथ्स का पीरियड आपका अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है, ये 12 महीने का पीरियड आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। नॉर्मली ये दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम एवरी ईयर 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन एवरी ईयर 31 मार्च, मींस ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड होता है, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं आप। तो एक बिजनेसमैन को, यहां बिजनेसमैन का नाम मैंने प्रकाश लिया है, इस प्रकाश को इस पूरे साल, ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की परचेज सेल्स और एक्सपेंसेस को एक जगह लिखना होगा, फिर जाकर के वो लास्ट में प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएगा। याद रखिए बिजनेस के अंदर एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो पूरे पीरियड का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है आपके। तो ये एक मैंने ओवरव्यू आपको देने की कोशिश करी है ताकि आप समझ सके कि ये अकाउंटेंसी क्या है। देखिए बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में जो आपको याद रखना है, इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच रिकॉर्ड्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ये सिर्फ बिजनेस में ही काम में आती है, हम इसको घर में काम में नहीं लेते हैं, हम इसको, इट इज नॉट हाउस होल्ड थिंग, इट इज बिजनेस रिलेटेड थिंग्स। तो आई होप आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार जब आपके पिक्चर क्लियर हो जाती है तो आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। तो आइए अब इनका हम जो मीनिंग है आपकी बुक्स में, उस मीनिंग को हम समझ लेते हैं। अकाउंटेंसी का क्या मीनिंग है, देखिए अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। देखिए जो मैंने आपको चीज बताई थी ये उसी को थ्योरेटिकल वे के अंदर उसको रखा गया है। देखिए लैंग्वेज है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है,
और ये क्या बताती है, ये आपको रूल्स बताती है, ये आपको प्रिंसिपल्स बताती है, ये आपको टेक्निक्स बताती है कि आप किस तरह से आप इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे, आप किस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, किस तरह से आप उनसे इंफॉर्मेशन निकालोगे आप, और किस तरह से उन इंफॉर्मेशन को फिर आप कम्युनिकेट करोगे डिजायर पार्टीज तक। यही अकाउंटेंसी का मीनिंग है। देर इज ए स्कॉलर कॉल्ड कोहलर, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उन्होंने डेफिनेशन दी है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो आपको बिजनेस ट्रांजेक्शंस को लिखना है उसकी क्या थ्योरी है और उस थ्योरी की क्या प्रैक्टिस है, उससे रिलेटेड पूरा स्ट्रक्चर ही उन्होंने बताया कि वो अकाउंटेंसी है। तो मेरे को ये डेफिनेशन बहुत पसंद है कोहलर की, बिकॉज इट इज वेरी शॉर्ट एंड वेरी स्वीट। नाउ अनदर वर्ड इज अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लेते हैं, फिर मैं इसको इसके मीनिंग के बाद में इसको अच्छे से एलोबरेट करने करूंगा आपको मैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। एंड दिस डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स। देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है अकाउंटिंग का, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन है उसको जो आप रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और लास्ट में समराइज करेंगे, ताकि आप बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप निकाल सके और डिजायर पार्टीज को आप वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। तो देखिए, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग कोई अलग चीज नहीं है, इसको आप बहुत साधारण तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी जो प्रैक्टिस रूल थ्योरी और जो प्रिंसिपल्स है वो अकाउंटेंसी है, और इसका जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो आपका अकाउंटिंग है। यानी अकाउंटेंसी इसका थ्योरेटिकल पार्ट है और इसी का प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो अकाउंटिंग है आपका। बस यही इसका जो है बेसिक मीनिंग यही है। इसी को मैंने इनके रिलेशनशिप को अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के रिलेशनशिप को देखिए मैंने एक सर्कल से भी बनाया है। देखिए, जो थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने बताया आपका, थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब जो इसके प्रिंसिपल प्रोसेस मेथड्स टेक्निक्स है वो अकाउंटेंसी कहलाती है आपकी। एंड इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है कि आप किस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, आपकी बुक में जो भी चैप्टर्स के नेम है आपके, जैसे आपके चैप्टर के नेम आएंगे जनरल, लेजर, फाइनेंशियल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, ये सब क्या है आपका, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये आपका अकाउंटिंग कहलाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं बहुत सिंपलेस्ट मीनिंग है अकाउंटेंट से रिलेटेड विद थ्योरेटिकल पार्ट एंड अकाउंटिंग रिलेटेड विद प्रैक्टिकल पार्ट। ये आपका रिलेशनशिप है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का। और इसको मैं और अच्छे से अगर बताना चाहूं तो सपोज कीजिए अगर इस सर्किल को मैं पूरा अकाउंटेंसी ले लेता हूं जिसके अंदर पूरी थ्योरेटिकल प्रोसेस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस आ गई है, तो इस सर्किल का ही एक पार्ट है आपका अकाउंटिंग, जो ये बताता है कि ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो प्रोसेस बताई गई है, जो मेथड्स बताए गए हैं, उन्हें हमें प्रैक्टिकली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त किस तरह से फॉलो करना है, वो आपका अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो आई होप आज आपको ये अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।